ये है यामा का R15 B2, हाँ ये 2017 का है अच्छा और ये फर्स्ट ओनर है। सुपर स्प्लेंडर है ये 2021 का है, फर्स्ट ओनर है। इसका प्राइस 68,000 है। ये एवेंजर 220 क्रूज है, ये अक्टूबर 2021 का है, ये भी फर्स्ट ओनर है, 10,000 केवल चला हुआ है। क्या डिटेल्स है उसका? वो NS-160 है, हाँ अक्टूबर 2020 का, अच्छा अभी फर्स्ट ओनर है। ये एवेंजर 160 है, हाँ ये अक्टूबर 2021 का गाड़ी है। ये RTR-164 भी है, ये दिसंबर 2018 का है, ये अच्छा 19 का मानो, दिसंबर 2018 का है, हाँ फर्स्ट ओनर है। जो भी स्टॉक है, क्या डिटेल्स है, सारे जानकारी आपको देने वाला है शोरूम के ओनर जो हमारे साथ है। तो नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे है? बढ़िया। अच्छा, और जिनको नहीं पता ये शोरूम का है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है उनको तो पता है यंजन मोटर्स का है, जो नए व्यूअर्स है उनको नहीं पता यंजन मोटर्स का है, तो उनके लिए एक बार उनका लोकेशन बता दीजिए आप। ये हमारा बीरपड़ा, दलगांव बीरपड़ा बोलते हैं। अच्छा। आलीपुर बीरपड़ा नहीं, ये दलगांव बीरपड़ा में पड़ता है। हाँ। और ये शोरूम है लंका रोड में। अच्छा। जो लालपुल के बगल में, लालपुल स्कूल, लालपुल के बगल में पेनवुड एकेडमी के सामने, दलगांव बीरपड़ा जो बोलते हैं, बीरपड़ा में है यंजन मोटर्स। तो आज सारे बाइक्स के बारे में आपको जानकारी देने वाला है इस शोरूम की, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और तगड़ा होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप लोग क्या करना है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं पहली बाइक से। तो पहली बाइक भैया वो रहा, क्या डिटेल्स है उसका? R15। ये है यामा का R15 B2। हाँ। ये 2017 का है। अच्छा। और ये फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर। ये गाड़ी बीरपड़ा का ही है, इसका मालिक ये बीरपड़ा में ही है। कितना किलोमीटर चला इसका? ये 23,000 किलोमीटर चला है। 23,000 किलोमीटर चला है R15 17 का, फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी। और प्राइस क्या रखा है आपने? प्राइस 65,000। 65,000 2017 की R15 V2 फर्स्ट ओनर गाड़ी, 23,000 किलोमीटर चला हुआ। और ये प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है। हाँ, नेगोशिएबल, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इंटर की बहुत इंक्वायरी आती है हमारे पास, तो इंटर की काफी कलेक्शन है यहाँ पे, तो क्या डिटेल्स है इस इंटर का? ये इंटर अक्टूबर 2021 का है। अच्छा। तो मानिए ये 22 के लगभग है। हाँ। और ये भी फर्स्ट ओनर है। अच्छा। ये एक लेडीज का गाड़ी है। हाँ। एकदम साफ सुथरा गाड़ी है, कहीं स्क्रेच स्क्रेच कुछ नहीं है। अच्छा। और एकदम फ्रेश गाड़ी है ये। हाँ। एकदम अच्छा कंडीशन का गाड़ी है ये। इसका हमने प्राइस रखा हुआ है 75,000। 75,000 अपने प्राइस रखा है अक्टूबर 2021 का, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर। कितना किलोमीटर चला है ये? 24,000 किलोमीटर, 24,000 किलोमीटर चला है ये अक्टूबर 2021 का। और 75,000 में थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। और आपके यहाँ पे रिफाइनेंस भी अवेलेबल है, जो लोग यंजन मोटर्स की वीडियो देखते हैं वो लोग जानते हैं यहाँ पे रिफाइनेंस अवेलेबल है। और अभी तो आसपास की सारे डिस्ट्रिक्ट में ये लोग रिफाइनेंस करते हैं भैया। और अगर 75,000 में कोई रिफाइनेंस करना चाहे तो कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? 40% कोई भी गाड़ी में 40% डाउन पेमेंट। इस शोरूम पे आप कोई भी गाड़ी ले लो, स्कूटी ले लो या फिर बाइक ले लो, कोई भी गाड़ी लेने से 40% डाउन पेमेंट करने से आप ले सकते हैं, बाकी का रिफाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हीरो की स्प्लेंडर, तो क्या डिटेल्स है? ये सुपर स्प्लेंडर है, ये 2021 का है, फर्स्ट ओनर है। इसका प्राइस 68,000 है। 2021 का फर्स्ट ओनर, 68,000 प्राइस रखा है। किलोमीटर 21,000 चला हुआ है, 21,000 किलोमीटर, 21 की मॉडल, फर्स्ट ओनर, 68,000 प्राइस है। और इसमें भी नेगोशिएबल हो जाएगा। और जो लोग हमारे चैनल की तरफ से आएंगे व्हीली वर्नर, तो उनके लिए डिस्काउंट तो रहेगा। हाँ, रहेगा। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कंडीशन आपके सामने ही है भाई, कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद होंडा की एविएटर, क्या डिटेल्स है? ये होंडा का एविएटर 2018 का है, फर्स्ट ओनर है। और ये टॉप मॉडल है, टायर दोनों नया है। अच्छा। और 35,000 चला हुआ है, सिर्फ 35,000 के करीब एक किलोमीटर चला है। 18 का मॉडल, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर। और इसका प्राइस है 50,000 प्राइस रखा है इसका 2018 का, फर्स्ट ओनर, नेगोशिएबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एलॉय व्हील वगैरह सब कुछ है, टायर भी सही कंडीशन में है यहाँ पे। उसके बाद ग्लैमर की जिनको तलाश है उनके लिए ग्लैमर का ऑप्शन यहाँ पे, क्या डिटेल्स है? ये ग्लैमर सेकंड ओनर है। अच्छा। और ये 2018 का है। और ये दिखाइए, इसका इंजन दिखाइए,
ये BS4 इंजन में सबसे अच्छा माना जाता है इसको। अच्छा है ना, ये सुहा इंजन बोलता है जिसको, ठीक है। इसका डिमांड है आज के दिन में मार्केट में सबसे ज्यादा, तो इसका प्राइस हमारा 65,000 है। सेकंड ओनर ग्लैमर कितना किलोमीटर चलाया लगभग? ये चला हुआ है 27,000। 27,000 के करीब ये किलोमीटर चलाया, 18 की ग्लैमर, 65,000 प्राइस रखा है, उसमें भी नेगोशिएबल हो जाएगा। भैया बता रहे कि BS4 में सबसे बढ़िया जो ग्लैमर में इंजन दिया गया था रिफाइनमेंट की तरफ से, जो भी हो बढ़िया, ये डिमांडेड बाइक में ये रहता है, क्यों भैया? ठीक है, उसके बाद एवेंजर 220 क्रूज। ये एवेंजर 220 क्रूज है, ये अक्टूबर 2021 का। अच्छा, ये भी फर्स्ट ओनर है। ये इसका प्राइस रखा है 1,05,000, 10,000 केवल चला हुआ है, सिर्फ 10,000 चला है अक्टूबर 2021 का, फर्स्ट ओनर गाड़ी, 1,05,000 प्राइस रखा है। और कंडीशन भी काफी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं कंडीशन है गाड़ी, तो जो है आपके सामने ही है भाई, कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। टायर दिखाइए, टायर दिखाओ भाई नजदीक से, यहाँ पे दोनों टायर 90% है। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद NS की काफी तलाश रहते हैं, क्या डिटेल्स है उसका? वो NS 160 है, अक्टूबर 2020 का, अभी फर्स्ट ओनर है। उसका आस्किंग प्राइस है 93,000। 93,000 आस्किंग है अक्टूबर 2020 का मॉडल, मतलब BS4 मॉडल है। BS4 में नहीं, BS6 है। अच्छा, वो BS6 है। 6 है। अच्छा, BS6 में NS 160 फर्स्ट ओनर अक्टूबर 2020 का 93,000 अपना प्राइस रखा है। किलोमीटर ये 27,000 चला हुआ है, वो 27,000 केवल किलोमीटर चला है। ठीक है, उसके बाद TVS की Ntorq 125 एक और, क्या डिटेल्स है इसका? Ntorq ये अगस्त 2021 का है। अच्छा। ये भी फर्स्ट ओनर है और इसका आस्किंग प्राइस है 76,000। ये 19,000 का लगभग चला हुआ है, 19,000 के करीब ये किलोमीटर चला है। अगस्त 2021 का है, फर्स्ट ओनर है, प्राइस रखा है 76,000। गाड़ी एकदम मिंट कंडीशन में, दोनों टायर दिखाइए, टायर भी 90% है, टायर भी लगभग 90% यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आपको इस शोरूम पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी हो, चाहे वो Ntorq हो, ग्लैमर हो, एवेंजर हो, NS हो, नीचे आए नंबर से भैया से बात कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद एक और Ntorq, इससे बेहतर कंडीशन में, क्या डिटेल्स है उसका? वो है Ntorq रेस एडिशन का। और ये था सुपर सोल्जर एडिशन का। अच्छा, ये भी टॉप मॉडल है, वो सेकंड टॉप है रेस रेस एडिशन का। अच्छा, तो वो नवंबर 2020 का है। अच्छा, वो 20 का है। नवंबर का है, 21 का बोलिए उसको। अच्छा, तो फर्स्ट ओनर है वो भी। ये 74,000 इसका आस्किंग प्राइस है, इसका चला हुआ है 23,000। 23,000 सिर्फ किलोमीटर चला हुआ, नवंबर 2020 का मॉडल, लेकिन कंडीशन आपके सामने ही है, सही कंडीशन में आपको मिलेगा इधर, और 74,000 अपने प्राइस रखा, और इसमें भी नेगोशिएबल हो जाएगा। ये आस्किंग प्राइस है, जो भी लोग बोलते हैं कि भाई ओवर प्राइस है वगैरह वगैरह, तो ये आस्किंग प्राइस है, प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा। आप ऑन टेबल आओ, बैठो, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या करना है आगे, ठीक है ना? उसके बाद एक और NS, क्या डिटेल्स है? ओ NS वो भी अक्टूबर 2020 का ही है। अच्छा, वो दोनों एक ही मतलब महीना का है और एक ही साल का। अच्छा, अक्टूबर 2020 अक्टूबर 2020 दोनों 160 है। अच्छा, दोनों ही 160 है। हाँ। ये थोड़ा कम चला हुआ है, 21,000 चला हुआ है। ये 21,000 चला है, वो 27,000 चला था, अक्टूबर 2020 का ही है। अगर आपके पास बजट है, आपका मन है NS लेने का, तो आप भाई आ सकते हैं, क्योंकि NS 160 BS6 में दोनों ही अक्टूबर 2020 का है, 20 का है, और दोनों का आस्किंग प्राइस सेम है, 93,000, सिर्फ 93,000 दोनों का ही आस्किंग प्राइस है। और कितना किलोमीटर चलाई है? 21,000, और पहले वाला था 27,000। आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हैं। और ये दोनों डुअल ABS है। अच्छा, ABS के साथ है, दोनों NS ABS के साथ, सिंगल ABS होता है, ये डबल ABS है दोनों। तो जिनको NS की तलाश है, नीचे नंबर से आप भैया से बात कर सकते हैं, दो दो NS यहाँ पे अवेलेबल है, और दोनों का प्राइस यार सब कुछ सेम है, ठीक है। उसके बाद एक और ग्लैमर, तो क्या डिटेल्स है इस तरह? ये ग्लैमर BS6 है, ये BS6 मॉडल का ग्लैमर है, ये मार्च 2021 का है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर है। इसका आस्किंग प्राइस 70,000 है। इसका स्क्रीन प्राइस है 70,000, मार्च 2021 का मॉडल, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर। और कितना किलोमीटर चला ये? 24,000 किलोमीटर चला है, 24,000 के करीब एक किलोमीटर चला है, फर्स्ट ओनर, 21 का मॉडल, 70,000 आस्किंग प्राइस है। और 70,000 में रिफाइनेंस करने से 40% डाउन पेमेंट करने से 30,000 देने से हो जाएगा, 30,000 देने से ये रिफाइनेंस हो जाएगा। उसके बाद इससे बेहतर कंडीशन में TVS रेडियन, क्या डिटेल? ये केवल डेढ़ साल का गाड़ी है, ये रेडियन अक्टूबर 2022 का है। हाँ हाँ,
तो अभी 1.5 साल हुआ इसका, ये फर्स्ट ओनर है। अच्छा, और ये गाड़ी 10,000 किलोमीटर चला है खाली। अच्छा, खाली 10,000 चला है, अक्टूबर 2022 का है, फर्स्ट ओनर। इसका आस्किंग प्राइस है 68,000 आस्किंग प्राइस है, अक्टूबर 2022 का फर्स्ट ओनर, 10,000 किलोमीटर चला हुआ टीवीएस रेडियन, यहाँ पे ब्लैक कलर में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बाइक ये, ब्लैक कलर में रेडियन, और स्क्रैचलेस ही है लगभग बाइक। तो उसके बाद जिनको अंडर बजट में कम सीसी में बाइक चाहिए, जो लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है टीवीएस की तरफ से, वो एक्सेल 100, क्या डिटेल्स है उसका? ये एक्सेल 100 है। हाँ। ये 2019 का है, फर्स्ट ऑर्डर है, कुछ मनी प्रॉब्लम के कारण उनका ये मुझे दिया गया है। इसका प्राइस रखा है 35,000 19 का फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर चला है ये, 19,000 किलोमीटर चला हुआ है। और इसका खुला है क्या? उसका अभी हमने बैटरी खोल के रखा, ये बहुत दिन हो गया था रखा हुआ। हाँ? तो अभी बैटरी चार्ज करने के लिए बैटरी खोला हुआ। अच्छा अच्छा, वो बैटरी का वो था जो चार्ज करने के लिए दिया है, दिया हुआ बैटरी, वो पीछे है हमारा चार्जर है, उधर चार्ज में रखा हुआ। ठीक है, तो अभी चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे और 3 बाइक है, तो उधर चलते हैं सीधा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक और रेवेंजर, ये 160 स्पीड है, क्या डिटेल्स है? ये एवेंजर 160 है। हाँ? ये अक्टूबर 2021 का गाड़ी है। अच्छा, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। हाँ? और ये 21,500 जैसा चला हुआ है। अच्छा, लगभग 22,000 के करीब ये किलोमीटर चला है। 21 का है, 21 का मॉडल, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर। प्राइस क्या रहता है? 95,000 भैया, मजा नहीं आया। 95,000 में मजा नहीं आया, थोड़ा सा कम करना होगा इसको। हाँ ठीक है, आपके चैनल देख के कोई भी आएगा। हाँ। तो उसको 90 में दे देंगे, 90,000 में मिल जाएगा एवेंजर 160 और डुअल एबीएस, डुअल चैनल एबीएस के साथ आपको मिलेगा, कहा यंजन मोटर्स पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे आए नंबर से भैया से बात कर सकते हैं। और ओनरशिप चेंजेस का क्या है, आप लोग करवा के देंगे? हाँ। नया व्यूअर को नहीं पता क्या है? ओनरशिप चेंजेस हम लोग करा के देते हैं। अच्छा, और अमाउंट कितना लगता है वो बता दीजिए। ओनर चेंज करने का 4,000 रुपए लगता है। तो उसके बाद एक गबरू पहलवान यहाँ पे, पल्सर 150, क्या डिटेल्स है इसका? पल्सर 150। हाँ। ये 2019 का है। अच्छा, और ये 27,000 चला हुआ है। ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसका आस्किंग प्राइस है 70,000। अच्छा, 70,000 फर्स्ट ओनर, 19 का मॉडल है। कितना किलोमीटर चला इसका? ये 27,000 के लगभग चला है। ये लगभग 27,000 के करीब ये किलोमीटर चला है, 19 का फर्स्ट ओनर गाड़ी। और प्राइस कितना बताया आपने? 70,000। सिर्फ 70,000 आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएबल हो जाएगा। हो जाएगा। उसके बाद अपाचे आरटीआर 160। अपाचे आरटीआर 160 ये 2017 का गाड़ी है, लास्ट का है। अच्छा, सब दिसंबर 2017 का गाड़ी है। हाँ। इसका आस्किंग प्राइस है 65,000। 65,000 17 की आरटीआर 160 फर्स्ट ओनर। हाँ जी, ये किलोमीटर, ये 36,000 चला हुआ है। ये 36,000 के करीब ये किलोमीटर चला है, 17 का मॉडल, फर्स्ट ओनर, प्राइस रखा है आपने 65,000 आस्किंग प्राइस रखा है। और हमारे चैनल की तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी अंदर का जो स्टॉक था हमने आपको दिखा दिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई स्टॉक आपको कैसा लग रहा है और प्राइसिंग कैसा लग रहा है। तो अभी चलते हैं बाहर, जो स्टॉक है वो दिखाते हैं आप लोगों को, बाहर चलते हैं। चलो हम लोग बाहर, और बाहर जो है पहली बाइक है NS 200, क्या डिटेल्स है भैया उसका? ये NS 200 दिसंबर 2020 का है, BS6 है। अच्छा, BS6 का मॉडल, फर्स्ट ओनर है ये। ये 21 का मॉडल बोल रहे थे, दिसंबर 2020 का है। अच्छा, तो दिसंबर 2020 यानी 21 का ही हो गया, फर्स्ट ओनर है। 200 पर ये NS 200 है। हाँ, कितना किलोमीटर? ये फर्स्ट ओनर है और ये चला हुआ है 28,000 किलोमीटर। अच्छा, 28,000 किलोमीटर चला है फर्स्ट ओनर दिसंबर 2020 का, मतलब 21 का ही मॉडल है, BS6 NS 200। हाँ जी। प्राइस, इसका आस्किंग प्राइस है 1,05,000। 1,05,000 रुपए में आपको NS 200 मिल जाएगा, BS6 में 2020 की दिसंबर की, मतलब 21 की मॉडल। ठीक है, टायर दिखाइए, टायर दोनों, टायर कंडीशन सही है, यहाँ पे कार्बन फिनिश ऐसा कुछ टचअप भी है गाड़ी में। उसके बाद आरटीआर 160 4B। हाँ, ये 2019 का है, फर्स्ट ओनर है। अच्छा, ये कितना? ये 25,000 के करीब चला हुआ है। सिर्फ 25,000 के करीब ये किलोमीटर चला है, 19 का मॉडल, फर्स्ट ओनर। और प्राइस क्या रखा है आपने? इसका प्राइस है 83,000 प्राइस है 2019 की आरटीआर 164B। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यंजन मोटर्स बीरपारा में पेनवुड एकेडमी के सामने है, आप लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, सामने आओ, देखो, चलाओ, उसके बाद ऑन टेबल बाकी का काम होगा।
उसके बाद एक और आरटीआर 164 भी, क्या डिटेल्स है? ये आरटीआर 164 भी है, ये दिसंबर 2018 का है। अच्छा। ये 19 का मानो, दिसंबर 2018 का फर्स्ट ऑनर है। ये भी टीचर का गाड़ी है। अच्छा। इसका ये चला हुआ है करीबन 29,000 जैसे चला हुआ है। अच्छा, 29,000 के करीब ये किलोमीटर चला, चला हुआ प्राइस? है। इसका प्राइस है 78,000 आस्किंग प्राइस है। 2018 की मॉडल, दिसंबर की, मतलब 2019 का ही मॉडल है आरटीआर 164 भी। 21 कितना किलोमीटर चला है आपने बोला? ये 29,000 किलोमीटर चला है इसका, 78,000 आस्किंग प्राइस है, ठीक है। उसके बाद एक और आरटीआर 160, लेकिन ये 2B में, क्या 2B में है? ये 2021 ये मार्च अप्रैल का है। अच्छा, ये अप्रैल 2021 का है। ये फर्स्ट ओनर है। ये कुछ गियर नंबर गाड़ी है। अच्छा, इसका आस्किंग प्राइस है 95,000। ये चला हुआ है 21,800 चला हुआ है। अच्छा, मतलब 22,000 के करीब ये किलोमीटर चला है। 21 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर, 95,000 आस्किंग प्राइस है। जिनको आरटीआर 2B की तलाश है, 160 में एक ऑप्शन यह भी आपको मिलेगा। टायर दिखाइए, एकदम नया टायर है, लगभग 95 कंडीशन में आपको मिलेगा टायर, इधर ब्रांड न्यू टायर। अच्छा, उसके बाद डिस्कवर, तो इधर आ जाइए भैया, डिस्कवर के बारे में बता दीजिए। ये डिस्कवर 2015 का है, डिस्कवर M125 है। अच्छा, 125M बोल गए। ये दोनों में डिस्क है और इसका आस्किंग प्राइस फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है, कितना किलोमीटर चला इसका? ये एक किलोमीटर तो 35,000 जैसे चला होगा। 34,000 आस्किंग प्राइस है। 34,000 आस्किंग प्राइस है इसका, फर्स्ट ओनर गाड़ी। 2015 की मॉडल है। और अच्छा, 15 की मॉडल में रिफाइनेंस होगा? नहीं होगा, 15 की मॉडल में रिफाइनेंस नहीं होगा, 17 से ऊपर का होगा। अच्छा, 17 की ऊपर की जो गाड़ी है उनमें ही केवल रिफाइनेंस होगा। तो अच्छा अच्छा, और यहाँ पे एक और रेंटर, क्या डिटेल्स है? ये रेंटर मार्च 2021 का है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर है। हाँ। ये भी एक लेडीज का गाड़ी है। अच्छा। तो लेडीज बाहर चले गए काम करने के लिए, तो इधर बिक्री करके चला गया। इसका किलोमीटर, किलोमीटर इसका लगभग 21,000 के करीब है। अच्छा, 21,000 के करीब एक किलोमीटर चला है। 2021 की मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। प्राइस क्या रखा? प्राइस इसका 65,000 में आपको एंटॉर्क मिलेगा, 125 एंटॉर्क, 2021 की मॉडल 65,000 में। और ये प्राइस नेगोशिएबल है यहाँ पे। जुपिटर, यहाँ पे क्या डिटेल्स है? ये जुपिटर 2017 का है। हाँ। ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर। इसका आस्किंग प्राइस 37,000 है। ये करीबन 29-30,000 चला हुआ है। अच्छा, लगभग 29-30,000 के करीब ये किलोमीटर चला है। फर्स्ट ओनर है, 17 की मॉडल। दोनों टायर में है, टायर कंडीशन सही आपको यहाँ पे मिलेगा योंजन मोटर्स पे। और उसके बाद जिनको रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक की तलाश है, क्लासिक यहाँ पे क्या डिटेल्स है? ये क्लासिक में 2018 का है। हाँ। ये कालिंपोंग नंबर गाड़ी है। अच्छा। कालिंपोंग का फौजी भाई का गाड़ी है ये। तो इसका आस्किंग प्राइस है 1,25,000। 1,25,000 में 18 की 350 क्लासिक, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर। किलोमीटर कितना चला है लगभग? ये लगभग 38,000 चला हुआ है। लगभग 38,000 के करीब ये किलोमीटर चला है 18 की 350 क्लासिक। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे आए नंबर से अब भैया से बात कर सकते हैं क्लासिक के बारे में। और आज की इस वीडियो की आखिरी जो बाइक है वो है हीरो की सुपर स्प्लेंडर, क्या डिटेल्स है? ये हीरो की सुपर स्प्लेंडर है, दिसंबर 2017 का। हाँ, मतलब 18 का मान लीजिए। ये भी वही वाला VS4 है, जो सोया इंजन बोलते हैं, सोया इंजन। अच्छा, ये इंजन का डिमांड है। और ये गाड़ी का दोनों टायर नया है, एकदम ब्रांड न्यू, मैंने लाके दोनों टायर नया लगाया। अच्छा, आपने ही लगाया? मैंने लगाया हुआ, दोनों टायर नया है, ब्रांड न्यू। टायर कंडीशन नजदीक से दिखाओ भाई, इधर आके भैया ने ही टायर खुद से लगवाया है, टायर दोनों टायर, आगे पीछे दोनों टायर। 17 का मॉडल, फास्ट ओनर, कितना किलोमीटर चला है? ये चला हुआ है करीबन 26-27,000 के करीब ये किलोमीटर चला है। और प्राइस क्या रखा है? इसका प्राइस 60,000 इसका आस्किंग प्राइस है। 17 की मॉडल, सुपर स्प्लेंडर, दोनों का दोनों टायर ब्रांड न्यू है और प्राइस है सिर्फ 60,000 में, नेगोशिएबल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो योंजन मोटर्स पे जितना भी स्टॉक था हमने आपको दिखा दिया, जो भी कलेक्शन था भैया ने सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, बाइक आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना डील आपको कैसा लगा। और बाकी अगर आपको इस शोरूम पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी हो तो नीचे आए नंबर से भैया से बात कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।